में देखिए ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है और हमने इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमने जींस का अर्थ ढूंढा कि जींस का मतलब क्या होता है कि नीले डेनिम की या मजबूत सूती पैंट। उस दिन और पैंट यहाँ सिलवा है इस पर लगा है 3500, अब उसमें तो 1000 में हो जाता है। अब व्यक्तिगत चयन पर आपत्ति है कि हाँ जींस बुरा है या बुरा है, तो जींस नहीं पहनना है ये नहीं पहनना है, तो ड्रेस कोड ही लागू कर दे। तो टी शर्ट पहन के अब शिक्षक स्कूल में नहीं जाएंगे, ये नहीं नियम लाया गया है। हमारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, आपने देखा है इसके पहले किसी जिला में इस प्रकार का शोकज निकला था कि अगर दाढ़ी रखे हैं तो इस पर भी शोकज था, तो जींस पहनने पर शोकज हो जाएगा, दाढ़ी रखने पर शोकज हो जाएगा, चंदन लगाने पर शोकज हो जाएगा, तो कल को कहिएगा कि बाल रखिएगा उस पर कार्रवाई कर देंगे। जींस आखिर इसका मकसद क्या है? किसी भी चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता है। शिक्षा विभाग के जिन पदाधिकारियों ने ऐसा आदेश दिया है कि जींस पहनकर नहीं जाना है, तो जींस क्या है, जींस में क्या आपत्तिजनक है, जरा हमको ये कोई बताए। जींस अगर आपत्तिजनक है तो भारतीय परिधान तो धोती कुर्ता है, तो हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब, तो वो धोती कुर्ता पहन के वो खुद पहले चलें, सारे शिक्षक पहन लेंगे, पहनने आता है धोती कुर्ता? आज धोती कुर्ता जो पहनेगा वो पैर में लटपटा के गिर करके मर जाएगा, एक्सीडेंट करके मर जाएगा। आप जींस को किस कारण से आप इस प्रोहिबिट कर रहे हैं, इसका कुछ लॉजिक नहीं है। आपके सामने देखिये ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है और हमने इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमने जींस का अर्थ ढूंढा कि जींस का मतलब क्या होता है। इसमें स्पष्ट जींस का अर्थ लिखा है कि नीले डेनिम की या मजबूत सूती पैंट, इसी को जींस कहते हैं। जो मजबूत कॉटन से बना हुआ अगर कोई पैंट है उसको जींस कहते हैं। तो मजबूत कपड़ा नहीं पहनेगा तो क्या कमजोर कपड़ा पहनेगा? क्या मतलब हुआ जींस का? जींस का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा लगे कि पहनने में भलगर लगता हो तो आप उसको आपत्तिजनक बताएंगे। जींस का मतलब क्या होता है? जो मजबूत कपड़ा से होता है, तो कपड़ा के मोटाई को गहराई का गेज नाप करके बतावे कि इतना मोटा होगा तो चलेगा, इतना पतला होगा तो नहीं चलेगा। ये फालतू की बात है। जींस आज के डेट में हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो चुका हुआ है और यह घुल मिल गया है। जो जिस चीज को समाज स्वीकार कर लेता है उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। रही बात टी शर्ट की, तो टी शर्ट के बारे में इसमें आप देखिए इस शब्दकोश में लिखा है कि आधे आस्तीन की बिना बटन या कॉलर की कमीज, इसी को टी शर्ट कहते हैं। अगर आधे आस्तीन के मतलब बदन ढका हुआ नहीं हो, ऐसा अगर कोई कपड़ा है तो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है और हम इसके पक्ष में हैं कि नहीं भाई इस तरह का कपड़ा पहन के नहीं जाए। लेकिन अगर कोई पूरा कपड़ा अगर पहन कर जाए, पूरा बदन ढका हुआ हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जींस पैंट जो है वह सहज सरल टिकाऊ कम पैसे में उपलब्ध चीज है। आज के डेट में शर्ट पैंट की सिलाई का 1200 रुपया टेलर लेता है और 1200 रुपया में लोग शर्ट और पैंट खरीद लेता है लोग मार्केट में जाकर, और जींस पैंट, तो जींस पैंट में क्या है, वही तो साधारण सा पैंट होता है। ये जींस पर आप आरोप लगाना, उसका कलर तय है कि जींस का मतलब होता है जो ब्लू कलर का हो, तो आप कलर भी तय कर दिए कि रेड कलर वाला चलेगा, व्हाइट कलर वाला चलेगा। रील्स और वीडियो बनाने का भी उसमें बात है, कैसे रील्स और वीडियो बनाते हैं? रील्स और वीडियो देखिए, अगर कोई भी आपत्तिजनक कोई वीडियो है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। अगर विभाग अगर कहता है कि नहीं आपत्तिजनक वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए, तो मैं विभाग के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन अगर कोई सकारात्मक वीडियो है जिससे अगर पॉजिटिव मैसेज अगर कोई प्रसारित होता है, अगर कोई इसे प्रेरित होता है, प्रेरणादायी कोई वीडियो है, तो इस ऐसा वीडियो शिक्षकों को बनाना चाहिए। शिक्षक समाज के रोल मॉडल होते हैं, तो ऐसे अगर मॉडल अगर हो, अगर ऐसा कुछ अगर आदर्श अगर कुछ है तो निश्चित रूप से उसको प्रसारित करना चाहिए। भलगर चीजों को प्रोहिबिट किया ही जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। जींस और टी शर्ट के लिए है कि वह कम दाम में मिलता है, शिक्षक को सहज लगता है, अपने जाकर खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं। एक शर्ट उस्तीन और पैंट यह सिलवा है इस पर लगा है 3500 रुपया पड़ा है, अब उसमें तो 1000 में हो जाता है। लोग सहज अवस्था में जाकर खरीद कर पहन कर चले जाते हैं, कहाँ इसमें कोई आपत्ति है? जींस में कहाँ कोई बुराई है? वो तो सभी लोग पहनते हैं। सब विभाग को क्यों लग रहा है कि, अरे शिक्षा विभाग को लग रहा है कि शिक्षक को किसी तरह परेशान करे, तो उनके परेशान करने से क्या अथी होना है? हम लोग कितना परेशान हो, हम लोग 22 साल से ही परेशानी तो देखते आ रहे हैं बराबर। आज यह चिट्ठी तक कल वह चिट्ठी तक कल वह नियम तक कल वह नियम, 20 तरह का नियम तो लागू कर ही रहा है, हम लोग झेल रहे हैं। क्या पहनावा में बदलाव होने से शिक्षा कहाँ से क्या सुधर जाएगा? पहनावा में उसमें बदलाव कर देने से उसको क्या सुधर जाएगा?
शिक्षक जब तक मानसिक रूप से अगर नहीं सही रहेगा तब तक शिक्षा में क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा। जींस और टी शर्ट जो है, जैसे व्यक्तिगत लोगों का अपना अपना चयन होता है कि क्या पहने। अब व्यक्तिगत चयन पर आपत्ति है कि हाँ जींस बुरा है या बुरा है, तो जींस नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना है, तो ड्रेस कोड ही लागू कर दे ताकि कोई आपत्ति ही नहीं रहेगा। कल से कोई लुंगी में जाएगा, कल से कोई जो है सो मन दूसरे परिधान में जाएगा, तो आप ये नहीं पहनिए। तो 75 चीज निकालने से अच्छा है आप ड्रेस कोड निकाल दीजिए। और पैसा अब शिक्षकों को जो है, जो जो अभी तक जो काम कर रहे हैं नियोजित लोग जो है, वो जो है सो इस स्थिति में नहीं है। आज के डेट में जो है सो 40 मतलब 20 साल के लगभग काम कर चुके हैं, धीरे धीरे वृद्धि हुआ तो उनका बाल बच्चा जो बढ़ा है उस पर इतना लेबिलिटीज हो चुका है कि उसके पास पैसा नहीं बचता है। हो सकता है कि उसको कुछ इधर उधर से मिल जाता है, जिनसे मिल जाता है तो वो पहन लेता है। तो आप ही मैंने पैसा तय कर दीजिए, दे दीजिए 6 महीने पर वृद्धि। पर शिक्षकों को रेगुलर परेशान किया जाता है, माने हर दिन कोई ना कोई नया फरमान निकलता है। शिक्षा विभाग नहीं, रेगुलर रेगुलर जो है सो हर दिन नियम चेंज होते हैं और हर दिन एक ना कोई लेटर निकलता है।